ये फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है सोया चाप ग्रेवी। कितनी बढ़िया बनी है। तंदूरी तो अक्सर हम बनाते ही हैं, आज मैंने ग्रेवी ट्राई करी है और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपने किचन में सोया चाप ग्रेवी वाली। मैंने आपसे इससे पहले भी सोया चाप की रेसिपी शेयर की है, तंदूरी सोया चाप, और ये सोया चाप हम घर पे कैसे बना सकते हैं मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस समय मैंने ये बाज़ार की बनी हुई ली है, मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो मेरी घर की बनी हुई ख़त्म हो गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी रेसिपी कुछ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। देखिए, ये मैंने चाप को अच्छे से धो लिया, क्योंकि हम सोया चाप ग्रेवी बना रहे हैं तो हम इनको मैरिनेट नहीं करेंगे, इनको हम सीधे बनाएंगे। तो मैं पहले इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं ये सारी चाप में से ये अच्छे से प्रेस करके निकालिए। अब मैं इनको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में, बहुत बड़े भी नहीं काटने हैं, इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी। ग्रेवी वाली बनाते हैं तो हम दोनों तरह से ही बना सकते हैं, मैरिनेट करके भी और तल के भी, लेकिन मैं तल के ही बनाती हूँ। और दूसरी साइड मैंने ये देखिए, ये तेल गर्म होना रख दिया था और अब हम अपनी चाप को इसमें डाल देंगे। इन्हें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना। हमारी चाप अच्छे से सिक गई हैं, ये देखिए गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तलनी है हमें, बिल्कुल गोल्डन कलर की करनी है। देखिए देखिए, हमारी सोया चाप अच्छे से तल गई हैं, ये देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। हमने बिल्कुल इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर में तला है। और अब चलिए हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये मैंने उसी पैन में घी निकाल दिया फालतू, और ये मैंने कुछ लिए हैं खड़े मसाले। ये हैं काली मिर्च 8 से 10, 2 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ते, दालचीनी और 4-5 लौंग। इन सबको हम घी में डाल देंगे और इन्हें भूनेंगे हल्का सा, जिससे कि तेल में इनका घी तेल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ्लेवर, सब मसालों का, खड़े मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें काट के लिए हैं, ये डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के हरा धनिया, और ये मैंने 3 प्याज बड़े वाले चॉपर में चॉप कर लिए हैं, इनको भी डाल देंगे और इनको बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ये मैं डालूँगी 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये मैंने साइड में डाल दी, और ये मैंने 3 टमाटर की प्योरी बना ली थी वो डाल दी दूसरी, और अच्छे से अब इसमें हम थोड़े बेसिक मसाले डालेंगे। मैंने ये डाली हल्दी 1/4 टीस्पून, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा तीखापन देने के लिए थोड़ी सी मैंने ये मिर्ची डाली है। मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करी है, आप देगी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती, लेकिन देगी मिर्च तीखी होती है, उनमें तीखापन भी होता है और कलर भी होता है, तो उसमें आपको सादा मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम अब ढक के अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे से भून नहीं जाते, प्याज टमाटर जो होता है बिल्कुल दानेदार सा नहीं हो जाता, हम इसको तब तक भूनेंगे। ये मैंने मिक्सी के जग में थोड़ा सा पानी डाल के ये ले लिया और ये भी डाल दिया। इसमें मैं डालूँगी ये किचन किंग मसाला,
गरम मसाला जो होता है सब्जियों की ग्रेवी में डाला जाता है, आधा मैं अभी डालूंगी और आधा जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी उसके बाद डालूंगी। और जैसे ही हम टमाटर डालते हैं इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें सब्जी में चाहिए, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी भुन जाते हैं इसलिए। और अब इसको हम ढक के पकाएंगे। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुन रहा है, और ये देखिए आपको साइडों में तेल छोड़ रहा है, ये भी दिख रहा होगा जो हमने तेल डाला था। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही डालने से ग्रेवी बहुत रिच होती है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि दही डालते ही हमें चलाना है जब तक कि हमारी दही भुन ना जाए। वैसे तो हमारी दही जलेगी, फटेगी नहीं, क्योंकि हमने इसे मसालों में टमाटर प्याज का मसाला भुनने के बाद डाला है। हमारी दही भी अच्छे से भुन गई है, ये देखिए आपको दिखा होगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें कम से कम 2 से 3 कप पानी डालूंगी। आप अपने जितनी आपके सोया चॉप हैं उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी बनाइए। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है, ये सब कश्मीरी लाल मिर्चों का कमाल होता है। चलिए अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं पकी कैसी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी पकी है। और अब हम इसमें अपने ये सोया चॉप डाल देंगे जो हमने तले थे, और ढक के इन्हें हल्की आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स हमारे सोया चॉप में आ जाएं। ये देखिए कलर देखिए आप कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। चलिए अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी देखिए वाओ कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसको फिनिश करेंगे किचन किंग मसाला। वैसे मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, लेकिन मेरा ये इस समय मैं बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था। देखिए तेल भी आपको नज़र आ रहा होगा साइडों में बिल्कुल छोड़ दिया। और 1 चम्मच भुनी कसूरी मेथी का पाउडर, सूखी कसूरी मेथी जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। इसमें हम डालेंगे थोड़े से अदरक के जूलियंस। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। मैं अब आपको ये सब्जी सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए सोया चाप ग्रेवी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करा करें, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। थोड़ी सी अदरक की जूलियंस और ये हरा धनिया।